दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन दबाए स्मार्टफोन और गैजेट रिव्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है दो बजट डिवाइस, जिनमें से एक है आपका राइट साइड में है शाओमी का रेडमी 4 मिस्टर पॉपुलर, और दूसरे हाथ में है यू के तरफ से यू यूरेका ब्लैक जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा फोन बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, ऑडियो क्वालिटी के बारे में, प्रोसेसर, जीपीयू, रैम, स्टोरेज ये सब कितना है और कौन सा फ़ोन में बेटर है, आज हम लोग ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो दोनों का ही बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। दोनों में आपको मेटालिक बिल्ड मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में यू यूरेका ब्लैक में आपको मिलेगा एक क्रोम फिनिश जो कि शाइनी फिनिश देता है और देखने में थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू Redmi 4। Redmi 4 में आपको एक मैट ब्लैक वाला वर्जन मिलता है जो भी देखने में ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, क्रोम ब्लैक वाला शाइनी फिनिश। और पता नहीं ये इन्होंने कैसे किया, लेकिन ये जो है पूरा मेटालिक पार्ट है और ऊपर टॉप एंड बॉटम का पार्ट जो है आपका यहाँ पे प्लास्टिक दिया गया है और यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग दिया गया है जो फोन के लुक्स को और अच्छा बनाता है। और यहाँ पे Redmi 4 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एक मैट फिनिश वाला ब्लैक वर्जन, जिसमें आपको सेम बीच में मेटल और ऊपर नीचे प्लास्टिक मिलेगा, और इसमें देखने में भी ये उतना ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यू यूरेका ब्लैक जो है देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा स्लीक भी है अगर आप देखेंगे। हालांकि दोनों का जो थिकनेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हाथ में होल्ड करते टाइम ये थोड़ा स्लिम लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे Redmi 4 जो है थोड़ा छोटा है कंपेयर टू यू यूरेका। यूरेका आपको थोड़ा लंबा मिलेगा, तो नॉर्मली आपको होल्ड करने में Redmi 4 में ज़्यादा आसानी होगा, और दोनों ही फ़ोन मेटल से बना हुआ है तो दोनों ही फ़ोन स्लीपरी है, तो आपको इसके लिए एक केस तो लेना पड़ेगा। और Redmi 4 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई केस नहीं मिलता है बॉक्स में, लेकिन यूरेका ब्लैक में आपको एक सिलिकन केस बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें आपको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर अगर देखेंगे तो दोनों में ही स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 1.4 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है एक नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर, जो कि थोड़ा नया है कंपेयर टू यूरेका के स्नैपड्रैगन 430 जो कि ऑलमोस्ट एक साल पुराना हो गया है अभी। तो यहाँ पे आपको एक नया प्रोसेसर मिल रहा है Redmi 4 में, तो आपको बिल्कुल नया लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए तो आप Redmi 4 के साथ जा सकते हैं। GPU दोनों में ही सेम है, Adreno का 505 GPU आपको मिल जाएगा, तो Adreno में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले अगर देखेंगे तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है फुल HD डिस्प्ले और यहाँ पे आपको मिल रहा है HD डिस्प्ले। PPI दोनों का डिफरेंस है, PPI इसमें आपको ज़्यादा PPI मिलेगा, 467 PPI मिलेगा फुल HD डिस्प्ले में, जबकि यहाँ पे आपको 293 का PPI सिर्फ मिलता है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5 DR कर्व ग्लास साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिल जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें जल्दी से स्क्रैच नहीं आएगा। लेकिन Redmi 4 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि Xiaomi का दावा है कि इसमें कुछ तरह का प्रोटेक्शन उन्होंने दिया है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी स्क्रैचेस आ सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टेड ग्लास या फिर प्रोटेक्टेड कवर नहीं लगाया हो। तो स्पेक्स की अगर माने तो यहाँ पे डिस्प्ले में यूरेका ब्लैक बाजी मार लेता है और Redmi 4 थोड़ा पीछे रह जाता है। चलिए कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोज़ देख लेते हैं और देखते हैं उनमें दोनों डिस्प्ले में कैसा लगता है सेम पिक्चर्स और सेम वीडियोज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दोनों में ही सेम पिक्चर डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूरेका ब्लैक में आपको थोड़ा डीपर कलर्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा डीप कलर्स है इसके कंपेयर टू Redmi 4। यहाँ पे आपको डीपर ग्रीन, डीपर ब्लू ये सब डीप कलर के दिख रहे हैं, जबकि आपको Redmi 4 में थोड़ा लाइट कलर दिखेगा। लेकिन दोनों ही फोन का डिस्प्ले अगर आप देखेंगे दोनों ही फोन में डिस्प्ले खराब नहीं है, और व्यूइंग एंगल्स की अगर बात करें तो व्यूइंग एंगल्स दोनों फोन में ही आपको बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिल जाएंगे। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं यूरेका ब्लैक में आपको थोड़े डीपर कलर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से यूरेका ब्लैक का डिस्प्ले जो है थोड़ा बेटर देखने में लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, यूरेका ब्लैक में आपको एक टिंट मिलेगा, रेडिश टिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे कोई वाइट बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा रेडिश टिंट मिलेगा, जो कि आपको Redmi 4 में नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप यूरेका ब्लैक का जो डिस्प्ले है थोड़ा रेडिश है कंपेयर टू Redmi 4 में थोड़ा हल्का सा येलोइश टिंट है, लेकिन वो कंपेयर टू यूरेका ब्लैक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रेडिश टिंट मिल जाता है।
चलिए जल्दी से एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं वीडियो कैसा आता है दोनों में। देख सकते हैं जहां पे व्हाइट सिनेरियो आ रहा है वहां पे रेडिश टिंट आ रहा है यूरेका ब्लैक में, लेकिन रेडमी 4 में ऐसा कुछ टिंट नहीं है। हालांकि यूरेका ब्लैक का जो डिस्प्ले है कलर्स उसमें देखने में थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें डीपर कलर्स देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया डिस्प्ले का बात, अब चलिए ऑडियो देख लेते हैं ऑडियो दोनों में कैसा है, ऑडियो कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे दोनों में आपको सिंगल स्पीकर मिलेंगे, हालांकि जो स्पीकर ग्रिल्स है यहाँ पे दोनों में ही दो दो करके दिया गया है, एक स्पीकर ग्रिल है और एक माइक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑडियो किसमें बेटर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा ऑडियो क्वालिटी में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑडियो क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों फोन्स में, ऑडियो क्वालिटी में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं स्टोरेज और रैम के बारे में। स्टोरेज में अगर आप देखेंगे दोनों में ही आपको 32 GB का स्टोरेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स 25 GB तक का स्टोरेज फ्री मिलता है, जबकि आपको यूरेका ब्लैक में अगर आप क्लोजली नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 17 GB अभी अवेलेबल है और उसके साथ 5 GB मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, 17 और 5 मिलके होता है 22 GB। तो 22 GB आपको यहाँ पे स्टोरेज फ्री मिलता है और यहाँ पे लगभग 25 GB का स्टोरेज फ्री मिल जाता है। हालांकि Redmi 4 में आपको एक कस्टम स्किन मिलता है जो एक हेवी स्किन है MIUI, फिर भी आपको इसमें ज़्यादा स्टोरेज मिल रहा है कंपेयर टू यूरेका ब्लैक। यूरेका ब्लैक में आपको ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलता है, पता नहीं ये जो UI है इसका UI भी कस्टम है, लेकिन ये स्टॉकिश UI है, ज़्यादा फीचर्स इसमें नहीं है कंपेयर टू Redmi 4, फिर भी इसमें आपको कम स्टोरेज मिलता है। रैम की अगर बात करें दोस्तों तो रैम आपको यूरेका ब्लैक में ज़्यादा मिल रहा है सेम प्राइस में, 4 GB का आपको इसमें रैम मिलेगा और इसमें आपको 3 GB का रैम मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कौन से फ़ोन में फ्री रैम जो है कितना है। चलिए रेडमी 4 में देख लेते हैं कितना फ्री रैम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारे ऐप्स को किल करने के बाद आपको यहाँ पे 1.6 GB का जो फ्री रैम है वो मिल जाता है, लेकिन यूरेका ब्लैक में अगर आप देखेंगे तो यूरेका ब्लैक में आपको थोड़ा ज़्यादा रैम फ्री मिलेगा क्योंकि इसमें आपको 4 GB रैम मिलता है। तो 4 GB रैम में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.6 GB जो रैम है वो यूज़ हो रहा है। और चलिए सारे ऐप्स को किल कर देते हैं फिर देखते हैं। और यहाँ पे रैम में अगर आप देखेंगे तो रैम में आपको 4 GB में से 1.6 GB जो रैम है वो यूज़ हो रहा है और इसमें से आपको 1.9 GB जो रैम है वो फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आपको 1.6 GB रैम फ्री मिल रहा है और यहाँ पे आपको 1.9 GB रैम फ्री मिल रहा है। हालांकि इसमें 4 GB रैम है फिर भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम यहाँ पे फ्री नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में। कैमरा अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको रियर में 13 MP का कैमरा मिल जाता है, उसके साथ आपको एक LED फ्लैश मिलता है। इसमें आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है और इसमें सिंगल LED फ्लैश मिलता है। हालांकि दोनों में ही आपको डुअल टोन LED फ्लैश नहीं मिलता है, फिर भी आपको दोनों में ही फ्लैश मिल जाता है। तो चलिए एक फ़ोटो क्लिक करके देख लेते हैं फ़ोटो कैसा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो फ़ोटो क्वालिटी दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का फ़ोटो क्वालिटी है, डिटेल्स दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही सिमिलर टाइप का डिटेल्स दिख रहा है, दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि दोनों में ही नॉइज़ आपको देखने को मिलेगा, मैंने इसको आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटो क्लिक किया है तो दोनों में ही आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा। लेकिन कलर्स की अगर बात करें दोस्तों नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलेगा Redmi 4 में, Redmi 4 का जो कलर्स है टूअर्ड्स नेचुरल है, लेकिन इसमें कलर्स आप देखेंगे तो थोड़ा ब्लूइश टिंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा डिफरेंस आ गया है कलर में यहाँ पे। लेकिन Redmi 4 का जो कलर है वो टूअर्ड्स नेचुरल कलर देखने में लगता है और यहाँ पे थोड़ा बेटर लग रहा है Redmi 4 का कैमरा। लेकिन फ्रंट कैमरे में सिनेरियो दूसरा है दोस्तों, लेकिन फ्रंट कैमरे में सिनेरियो पूरा अलग है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 MP का फ्रंट कैमरा, जबकि आपको यहाँ पे मिलेगा 5 MP का फ्रंट कैमरा। यहाँ पे आपको एक फ्रंट पे LED फ्लैश भी मिलता है,
अंधेरे में सेल्फीज क्लिक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको Redmi 4 में कोई भी सेल्फी फ्लैश नहीं मिलता है। चलिए दोनों का फोटो सैंपल आपको दिखा देते हैं, फ्रंट में कैसा फोटो आता है। तो ये फोटो मैंने क्लिक किया था दोनों ही फोन्स में से सेल्फी। सेल्फी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही फोन्स में सेल्फी आपको अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन डिटेल्स की अगर बात करें तो यूरेका ब्लैक के कैमरे में आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू Redmi 4। Redmi 4 का आप ज़्यादा जूम करेंगे तो इसमें आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगे, फोटोज़ थोड़ा आर्टिफिशियल लुक हो जाता है, लेकिन इसमें आपको नेचुरल लुक और ज़्यादा बेहतर डिटेल्स फोटो में देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अगर बात करें तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में यूरेका ब्लैक का फ्रंट कैमरा जो है फ्रंट कैमरा बेटर है कंपेयर टू Redmi 4। चलिए दोस्तों अब फिंगरप्रिंट सेंसर का बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यूरेका ब्लैक में आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो एक कैपेसिटिव बटन भी है जिसको आप यूज़ करके बैक भी कर सकते हैं, लेकिन Redmi 4 में आपको पीछे मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे सिर्फ टैप कर सकते हैं आप और अनलॉक कर सकते हैं और कुछ काम नहीं कर सकते इससे। चलिए देख लेते हैं किसका फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा फास्ट है। मैं आप लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पाए आप लोग Redmi 4 का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है झट से अनलॉक कर दिया, लेकिन यूरेका ब्लैक का थोड़ा टाइम लगाया। चलिए एक दो बार और टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं आप लोग हर रिजल्ट में Redmi 4 का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू यूरेका ब्लैक। यूरेका ब्लैक का फिंगरप्रिंट सेंसर भी फास्ट है, लेकिन यहाँ पे अनलॉक करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा रहा है कंपेयर टू Redmi 4। चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन एलईडी की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन एलईडी दोनों में ही आपको मिलेगा, लेकिन Redmi 4 में आपको सिर्फ व्हाइट कलर का नोटिफिकेशन एलईडी मिलेगा जो कि आपको होम बटन के ठीक नीचे देखने को मिलेगा। और यूरेका ब्लैक की बात करें तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एलईडी मिलता है, ये मल्टी कलर है लेकिन सिर्फ दो ही कलर में ये ग्लो करता है, एक तो रेड और दूसरा ग्रीन। मैंने टेस्ट किया है थर्ड पार्टी ऐप से इसका कलर चेंज करने का, लेकिन रेड और ग्रीन के अलावा यहाँ पे कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फोन्स में आप देख सकते हैं एंड्रॉइड का 6.4.1 मार्शमेलो आपको मिल जाता है। दोनों ही फोन्स का वर्जन जो है एंड्रॉइड वर्जन वो सिमिलर है, लेकिन यूआई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यूरेका ब्लैक में आपको स्टॉकिश एंड्रॉइड मिलेगा, थोड़ा बहुत स्टॉकिश है, लेकिन इसमें आपको कोई ऐप ड्रॉअर नहीं मिलेगा। और सेटिंग्स अगर देखेंगे थोड़ा स्टॉकिश है। नोटिफिकेशन ड्रॉअर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड टाइप दिख रहा है, लेकिन Redmi 4 में आपको मिल जाता है MIUI जो कि हेविली कस्टमाइज है, और इसमें आपको हेविली कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे थीम्स का सपोर्ट या फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिक्योरिटी ऑप्शंस, बहुत सारे यूनिक फीचर्स है Redmi 4 में जो MIUI के साथ आता है। तो अगर आप एक स्टॉक एंड्रॉयड टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूरेका ब्लैक को ले सकते हैं, और अगर आपको कस्टमाइज स्किन अच्छा लगता है तो आप Redmi 4 को ज़रूर ले सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन में आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के ऊपर आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोनों ही फोन्स का अलग अलग स्ट्रेंथ है, दोनों ही फोन्स का अलग अलग वीक पॉइंट्स है। तो स्ट्रेंथ्स की बात करें तो अगर आपको Redmi 4 लेना है तो Redmi 4 में आपको एक बेटर UI, बेटर फीचर्स मिलेंगे MIUI में, साथ में आपको यहाँ पे मिल रहा है एक न्यूअर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर, बियर बैटरी और आपको बेटर फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आप Redmi 4 को ले सकते हैं कंपेयर टू यूरेका ब्लैक। और यूरेका ब्लैक अगर आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक बेटर डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है एट द सेम प्राइस, साथ में आपको 4GB रैम मिल रहा है और आपको गुड लुक्स मिलेगा इसमें, और बेटर जो फ्रंट कैमरा है इसमें आपको बेटर मिलेगा, और डिस्प्ले में भी आपको फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिल जाता है। दोनों फोन्स के जो डिफरेंसेस है उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और कौन सा फ़ोन किस चीज़ में बेटर है उसके बारे में भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको मदद मिलेगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जो लोग इन दोनों फोन्स में से फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं। और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।